या दिस इज ट्रू, आई लेफ्ट माई होम फॉर यूट्यूब। प्रूफ देख लो, भरी है सामान की, ठीक है। इसमें मेरा थोड़ा बहुत सामान है और ये है पीछे, ये बीच में टेबल वेबल और बाकी सारा सामान, केटल वेटल, और इस साइड इसमें मेरा सप्लीमेंट स्टैक और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक्चुअली छोड़ क्यों रहा हूँ, आई एम जस्ट लीविंग माई होम फॉर यूट्यूब ओनली। क्योंकि घर पे क्या था कि जितने सारे रिसोर्सेज थे मैंने यूज़ कर लिए अपने चैनल के लिए। मैंने चैनल को सबसे ज़्यादा ग्रो किया था मार्च 2020 में, लॉकडाउन लगा था, मैं गुड़गांव से वापस घर आया था, जॉब छोड़ के गाड़ी तब ली थी और मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए थे, तो चैनल चल गया, ड्राइविंग सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल गई। अब क्या हुआ कि जितने मेरे रिसोर्सेज थे मैंने सारे यूज़ कर लिए। जिस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, गाड़ियों के ऊपर बना ली, अपनी ब्रेजा को तो मैंने चूज़ दिया, एकदम निचोड़ दिया वीडियोज़ बना बना के। तो अब हुआ क्या कि मेरे पास बाकी अब कंटेंट बचा नहीं, यहाँ पे नहीं बचा है। मैं अगर जा रहा हूँ 20-20 किलोमीटर दूर एक एक गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दो दो गाड़ियों की बनाने जा रहा हूँ, तो ठीक है काम चल रहा है लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। दैट्स वाई एम गोइंग बैक टू गुड़गांव जहाँ मैं था 1.5 साल पहले, उससे 5-6 साल पहले नोएडा में था। तो ये करके मुझे घर से जाना पड़ रहा है, और अगर मान लो कोई नई गाड़ी लॉन्च हो रही है तो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मतलब घर जब मैं था तो 50-60 किलोमीटर दूर, वहाँ जाने में मेरा आना जाना पेट्रोल वगैरह। तो ये करके अगर मैं गुड़गांव में हूँ तो शोरूम में अगर कोई मान लो नई गाड़ी लॉन्च हुई है तो मैं जा सकता हूँ, किसी की रिव्यू करनी है, कोई बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, गांव में तो है नहीं। तो ये करके अनदर रीज़न है कि मुझे बाहर जाना है। एक और रीज़न ये है कि मेरी जिम नहीं हो पा रही यहाँ पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार उस चीज़ से, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो भी है मेरा जिम से आता है। वन आई लुक गुड आई फील गुड, आई फील कॉन्फिडेंट, तो वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पा रही है। जैसा अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा था लेकिन नहीं, तसल्ली नहीं हो रही। तो 2-4 रीज़न है बाहर जाने के, तो ये करके मैं जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा अंदर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे हवा हो रही है थोड़ी, नहीं ठीक है। तो बस यही करके मैं जा रहा हूँ। और अब दिक्कत ही है, घर पे ना भाई है ना मैं हूँ, बहन की शादी हो गई, मम्मी अकेली पड़ रही हैं, तो वो थोड़ा इमोशनल हो रही हैं कि मन नहीं लगेगा। तो ठीक है, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। मैं बस एज एन एक्सपेरिमेंट इसे ले रहा हूँ कि अगर मेरा काम बढ़ा गुड़गांव जाने के बाद, मुझे लग रहा है कि हाँ अब मेरा कॉन्टेंट सुधर रहा है, मैं कोई नई चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ रुकूँगा। अदरवाइज़ मैं 3-4 महीने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ 2020 के एंड तक। इट्स 1st of September 2021, 2021 के एंड तक मैं देख लेता हूँ, मेरा अगर काम चला तो मैं वहाँ रुकूँगा, अदरवाइज मैं वापस आ जाऊँगा। तो बस कुछ अच्छे के लिए यार घर तो छोड़ने पड़ रहा है, पेरेंट्स के लिए ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब काम मेरा ठीक चल रहा है लेकिन मुझे और आगे बढ़ाना है। जो हंगर है इम्प्रूवमेंट की वो अंदर होनी चाहिए, तो वो मुझे करना है। और बस यही करके मैं जा रहा हूँ। और जहाँ मैं रहूँगा गुड़गांव में, वो एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता, अभी डायरेक्ट चलते हैं, गाड़ी का सामान भरा है, रूम में शिफ्ट करके फिर बात करते हैं। और यही वाला वो हाईवे है जिस पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अपने ड्राइविंग मिस्टेक्स की, ड्राइविंग की क्वालिटीज़ वाली, ड्रैग रेसेस, बाकी रिव्यू वीडियोज़। तो इसको भी भाई बाय बाय, ये क्लोज रोड एकदम अभी बन रहा है, NH 52 है ये, तो इसको भी बाय बाय, अब इस पे वीडियोस नहीं बन पाएंगे। अगर मैं कभी घर आया और ऐसा हुआ कि मेरे पास है कोई कंटेंट तो मैं बना पाऊंगा, अदरवाइज अब जाना पड़ेगा। ओहो, बीच में थोड़ी सी उठी हुई है तो वो मुझे गाड़ी के टायर से निकालनी पड़ेगी। चलो चलते हैं। पता लग रहा है रोड कहाँ है, NH 8 है ये। ऐसे कभी भी सिचुएशन आई है, आती है, तो अपनी गाड़ी लेफ्ट के बजाय थोड़ा बीच में रखा करो। पता ही नहीं डिवाइडर का, मतलब उसका जो एज है रोड की वो कहाँ पर है, कुछ पता ही नहीं। ये हाल है NH 8 के, गांव का तो छोड़ ही दो। पहुँच के रूम में एक बार रूम दिखा देता हूँ। मेन डोर, टीवी, अलमीरा बड़ी सारी है, पीछे थोड़ा किचन की स्लैब है, सिंक है, ऊपर थोड़ा स्पेस है रखने के लिए, नीचे जगह है, और ये दो सिंगल जोड़ के एक डबल बनाया हुआ है। तो ये सिंगल शेयरिंग वाला रूम है, इसमें कोई और दूसरा नहीं आएगा, मैं अकेला ही रहूँगा। और चलो मैं उस ऐसे दिखा देता हूँ, बाथरूम, छोटी सी बालकनी, ऐसा कुछ सामने से बालकनी नहीं है कि एकदम फ्रंट रोड दिख रहा हो, वो कुछ नहीं है, बट कुछ ना होने से तो यही ठीक है। तो अब यहाँ से होगा मेरा काम शुरू। तो अगर कोई गुड़गांव में है जिसको अपनी गाड़ी रिव्यू करानी है तो पिन नीचे कमेंट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी कमेंट से ज़्यादा DM के रिप्लाई मेरे थोड़े से कंपैरिजन में जल्दी जाते हैं। तो अगर किसी को अपनी गाड़ी रिव्यू करानी हो तो मुझे इंस्टा पे कमेंट करना,
आई मीन मुझे डीएम करना, और बस यही है। अब यहीं से काम होगा, गुड़गांव शिफ्ट हो चुका हूँ, देखता हूँ कब तक हूँ। और अब पूरा सामान मुझे एक बार रूम सेटअप करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेकंड फ्लोर पे लेकर आया हूँ, सारा गाड़ी में रखा, फिर सेकंड फ्लोर ऊपर लेकर आया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है, गाड़ी की मेरी इन हाउस पार्किंग है, मतलब प्रमाइसिस के अंदर है। मैंने खासकर ये जो लिया है रूम, मतलब जिस बिल्डिंग में मैंने लिया, यही देख के लिया है कि यहाँ पे पार्किंग है। गाड़ी ग्राउंड फ्लोर पे स्लेट पार्किंग जैसे कहते हैं ना, ऐसे ही, तो नीचे पार्किंग है, ऊपर रूम बने हुए हैं। तो यही करके मैंने ये वाला चूज़ किया, थोड़ा महंगा भी बट ठीक है, क्योंकि पार्किंग मुझे गाड़ी की चाहिए थी। तो बस यही है इस व्लॉग में। अब धीरे धीरे मेरे छोटे छोटे व्लॉग आएंगे, जिम जाना शुरू करना है उसके आ जाएगा, खाने पीने का आ जाएगा, सुबह क्या प्रोटीन शेक, ये वो छोटा मोटा जो जो व्लॉग होते रहेंगे वो मैं डालते जाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना।